गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आपका टॉपिक है मानचित्र। मानचित्र अगर भूगोल में देखा जाए तो मानचित्र की विशेषताएं, आवश्यकता, महत्व, लाभ, बहुत सारी चीज़ें हम देख रखी हैं, क्योंकि ऐसा टॉपिक है जिसके बिना भूगोल का ज्ञान कराना या समझना ही अधूरा होता है। अगर मानचित्र या चित्र या रेखा चित्र या ग्राफ या आंकड़े या सारणी अगर नहीं भूगोल में दी जाती तो हम किसी भी जगह की या स्थान की संपूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जो ग्लोब होता है, ग्लोब को हम क्यों हमने ग्लोब का प्रयोग करते हैं भूगोल में, पूरी पृथ्वी का ज्ञान करने के लिए। तो जब हम पूरी पृथ्वी का ज्ञान जब हम करने के लिए ग्लोब का प्रयोग करते हैं तो उसी का ही एक भाग होता है मानचित्र। ग्लोब क्या होता है, क्योंकि ग्लोब एक दूरी पे, एक अक्ष पे टिका हुआ है, जो बताता है कि पृथ्वी जो टिकी हुई है किससे टिकी हुई है, एक अक्ष पर तिरछी टिकी हुई है, जिसपे कभी आधा भाग दिखाई देता है और आधा भाग नहीं दिखाई देता। तो आधा भाग जब नहीं दिखाई देता है तो उसका अध्ययन करने में या उसको पढ़ने में या उसको समझने में, पृथ्वी को समझने में हमें थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो इसलिए उसके बाद में किसका प्रयोग किया गया है, मानचित्र का प्रयोग किया गया। मानचित्र का प्रयोग इसलिए किया गया क्योंकि मानचित्र जो है हम एक समतल कागज पर वैज्ञानिक और कलात्मक ढंग से उसका उसको चित्रित कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं, तो उसे हम मानचित्र कहते हैं। मतलब एक समतल प्लेन कागज पर, जैसे ये ब्लैकबोर्ड अगर इस पर पूरा मानचित्र अगर हम दर्शाया जाए या मानचित्र को पूरी तरीके से दर्शाएं तो इस पर पूरा मानचित्र हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, स्पष्ट रूप से अंकित नजर आएगा। कैसे नजर आए, क्योंकि पूरा एक साथ में वो हमें दिख रहा है। लेकिन अगर हम उसी जगह ग्लोब को लें तो ग्लोब क्या होएगा, हमें आधा भाग का ही ज्ञान कराएगा, आधे भाग का ज्ञान नहीं करा सकता। तो मानचित्र की ज्योग्राफी विषय में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। मानचित्र के बिना इसका ज्ञान, भूगोल का ज्ञान अधूरा होता है। तो सबसे पहले देखिए कि मानचित्र शब्द का अर्थ या मानचित्र शब्द का अर्थ क्या होता है। मानचित्र शब्द लैटिन भाषा के मेपा से बना है। मेपा का अर्थ होता है, मेपा को मैप बना दिया गया और मेपा का अर्थ होता है मानचित्र। ऐसा चित्र या ऐसा मानचित्र जो इस पर संपूर्ण पृथ्वी या उसके किसी एक भाग को वैज्ञानिक कलात्मक ढंग से समतल कागज पर प्रदर्शित किया जाता है उसे मानचित्र कहा जाता है। मानचित्र की सिर्फ परिभाषा में हम लें तो हम क्या लेंगे, वैज्ञानिक और कलात्मक ढंग से, मतलब वैज्ञानिक भी होना चाहिए, विज्ञान और भूगोल वेताओं के अनुसार सही स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए उसमें, वह कलात्मक, साफ सुथरा, अच्छा दिखने में आकर्षक और सभी रंगों का प्रयोग करते हुए भी होना चाहिए। मतलब पर्टिकुलर सारी, अगर कोई जगह हम दर्शा रहे हैं, कोई स्थान हम दिखा रहे हैं तो उस स्थान का रंग उसी तरीके से, जैसे हम पर्वत दिखाते हैं, पर्वत भूरा रंग का ही दिखाए तो अच्छा लगता है, नदी दिखाते हैं ब्लू कलर से, बर्फ दिखाते हैं वाइट कलर से, तो उससे पता पड़ता है कि इस जगह पे बर्फ है, इस जगह पे पानी है, इस जगह पे पर्वत पठार आ रहे हैं, इस जगह पे घाटियां हैं। तो अलग अलग कलर रंग से जो दिखाते हैं वो कलात्मक होता है। और वैज्ञानिक जो मापदंडों के आधार पे होता है, मापने के आधार पे होता है वो वैज्ञानिक, मतलब जिसका आरेख निश्चित होता है कितने सेंटीग्रेड, कितने डिग्री, कितनी उसके ऊपर बनेगा ये निर्धारित होता है। तो किसी भी एक स्थान के, किसी एक क्षेत्र का समतल कागज पर वैज्ञानिक और कलात्मक ढंग से किया गया निरूपण मानचित्र कहलाता है। अब मानचित्र की हम ले सकते हैं कि आवश्यकता, मानचित्र का अधिक, मानचित्र के उपयोग के कारण, कि मानचित्र का उपयोग किन किन कारणों से हुआ है, क्यों हुआ है। भाई ग्लोब पर हम, सबसे पहला कारण है ग्लोब। ग्लोब पर क्या होता है, हम आधा इस क्षेत्र का ज्ञान कर सकते हैं, आधे क्षेत्र का ज्ञान नहीं कर सकते, इसलिए मानचित्र का प्रयोग करना जरूरी था। मानचित्र का इस सबसे पहला कारण यही है कि ग्लोब पर हमें एक हिस्सा दिखता था, एक हिस्सा नहीं दिखता था, और मानचित्र पर हमें पूरा एक साथ सारा ही क्षेत्र दिखाई देता है, जिस कारण से भी हमें इसका प्रयोग करना आसानी होती है। मानचित्र को लाने ले जाने में दिक्कत नहीं है, दूसरी वह लाने ले जाने में दिक्कत नहीं होती है, परेशानी नहीं होती है,
क्योंकि हमने ऐसे फोल्ड करा और साथ में लेकर चले गए। जो नाविक होते हैं, सैनिक होते हैं, वो भी क्या करते हैं, मानचित्र अपने साथ में रखते हैं और मानचित्र के आधार पर ही अपनी पूरी यात्रा कर लेते हैं। और ग्लोब को उठाना, उसको लेके जाना एक क्या होती है, समस्या उत्पन्न करता है, क्योंकि ग्लोब बड़ा होता है और जब बड़ा ग्लोब होएगा तो वो हमें समस्या उत्पन्न करेगा, हमें समस्या का सामना करना पड़ेगा, परेशानी होगी। लेकिन मानचित्र को फोल्ड करके हम किसी भी हमारे बैग में या हमारे साथ हमारी जेब में भी हम उसको फोल्ड करके रख सकते हैं और उसको लाने ले जाने में हमें कोई परेशानी नहीं होती, इस कारण से मानचित्र का उपयोग है। तीसरा है आवश्यकता अनुसार छोटे बड़े सभी तरह के मानचित्र का उपयोग में लिया जा सकता है, बनाए जा सकते हैं। अब हम छोटा सा मानचित्र अगर हम किताबों में देखें तो हमें छोटा सा मानचित्र होता है जिसपे क्या होता है, पूरा ज्ञान प्रदर्शित होता है। मतलब छोटे से बुक जो एक किताब होती है उसके अंदर भी जो मानचित्र बनाया हुआ है उस मानचित्र से भी हमें क्या हो रहा है, संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। एक स्टूडेंट को उसकी समझ हो जाती है कि हमें क्या चीज़ बोलने चाहता है। एक बड़ा सारा मानचित्र अगर हम उठा के देखें दीवार के जितना या इससे भी बड़ा जो मानचित्र होता है जो हम एक दीवार पे मानचित्र लगा सकते हैं उसके आधार पे भी ज्ञान कराया जा सकता है। मतलब छोटे से बड़े रूप में भी मानचित्र के आधार पर किसी क्षेत्र का, किसी स्थान का, किसी देश का, किसी राज्य का, राष्ट्र का हम अध्ययन कर सकते हैं। इसलिए भी मानचित्र की के उपयोग करने के कारण बड़े हैं। अब है मानचित्र के महत्व। मानचित्र के कई सारे महत्व होते हैं क्योंकि जैसे मैंने बताया कि भूगोल का अध्ययन मानचित्रों के बिना नहीं हो सकता है। तो मानचित्र का महत्व, मानचित्र सूचनाओं का एक प्रमुख स्रोत होता है। बहुत सारी सूचनाएं मानचित्र पर एकत्रित होती हैं। अगर हम मानचित्र पर देखें तो जैसे मैंने बताया था आपको कटिबंध होते हैं, किस जगह पे सूर्य की किरणें तेजी पड़ रही है, किस पे नहीं पड़ रही है, कहाँ पे सर्दी है, कहाँ पे गर्मी है, कहाँ पे ग्रीन मतलब हम ये कह सकते हैं वन क्षेत्र है, कहाँ पे पर्वत है, पठार है, नदियाँ हैं, तालाब है, झील है, और भी कई सारी चीज़ें हम मानचित्र पर अंकित रहती है जिसको हम अध्ययन करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। अगर हम एक छोटे से देश का या एक छोटे से क्षेत्र का मानचित्र रहते हैं उसमें कहाँ पे कुआं है, तालाब है, कृषि क्षेत्र कौन सा है, उद्योग धंधे कहाँ पे है, आवासीय क्षेत्र कहाँ पर है, किस जगह पे मंदिर है, किस जगह पे अस्पताल है, इतनी छोटी छोटी जानकारियाँ भी मानचित्र में दर्शाई जाती है। तो मानचित्र सूचनाओं का एक प्रमुख स्रोत होता है। मानचित्र को देखकर आकार और उस क्षेत्र की स्थिति का हम ज्ञान कर सकते हैं कि कितना आकार बड़ा है और उसकी स्थिति कैसी है। मानचित्र प्राकृतिक और सांस्कृतिक तत्व दर्शाता है। प्राकृतिक और सांस्कृतिक, प्रकृति के अनुसार उस क्षेत्र की स्थिति कैसी है और सांस्कृतिक कैसी है। फिर हम ले सकते हैं कि मानचित्र में जैसे मैंने बताया कि सूक्ष्म क्षेत्र से विश्व स्तर पर, मतलब सूक्ष्म क्षेत्र से छोटे से छोटा क्षेत्र भी अगर है तो उस क्षेत्र से विश्व स्तर तक का मानचित्र निर्माण किया जा सकता है। मानचित्र के माध्यम से हम नई नई सूचनाओं को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। मानचित्र के अनुसार या मानचित्र हमें किसके आधार पर दिया कराया जा सकता है। वर्तमान समय में सूचना प्राप्त करने के लिए मानचित्रों का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है। अब एटलस को भी लोग अपने साथ में रखने लगे हैं। अपन सब फ़ोन यूज़ करते हैं, फ़ोन में हम गूगल मैप, पहले हम किसी कोई जगह नहीं मिलती है तो हम उसको क्या करते थे, उस जगह पे जाकर कई लोगों से पूछते रहते थे। अब हम क्या करते हैं, हमें कोई सूझ नहीं जगह मिल रही, कोई जगह पे हम गए हैं, नई जगह है, तो हम सीधा सा क्या करते हैं, गूगल मैप डाउनलोड करा, मैप डाउनलोड करके हम मैप को खोलते हैं और उस मैप के आधार पर हम क्या करते हैं, अपने स्थान पर जिस जगह पर हमें जाना है उस जगह पर हम पहुँच जाते हैं। तो वो किसके आधार पर हुआ, वो क्या है, मानचित्र है, जिसके आधार पर हमें एक छोटी से छोटी सूचना, एक छोटी से छोटी गली, कोई अगर हमें कुछ वहाँ का एरिया बता रखा है वो एरिया भी हमें बता देता है मैप पे कि इस जगह पे ये चीज़ आ रही है, तो हमें कितने मीटर, कितने किलोमीटर की दूरी वहाँ से तय करनी है और रास्ता किस जगह से है, किस जगह से रास्ता नहीं है, ब्लॉक कहाँ पर है और किस जगह से रास्ता हमें मिल जाएगा। तो मतलब एक छोटी से छोटी सूचना का भी वर्तमान समय में मैप का या मानचित्र का प्रयोग सर्वाधिक हो रहा है और सबसे ज़्यादा उपयोग में लिया जाता है। मानचित्र शुद्ध होते हैं, उचित होते, सही होते हैं। ऐसे नहीं है कि किसी भी आधार पर कोई भी अपने अकॉर्डिंग कोई भी माना मापक लेके या मापनी लेके मानचित्र का निर्माण कर सकता है। इस तरीके से आरएफ लेके कुछ भी मानचित्र का निर्माण नहीं किया जा सकता है। उस क्षेत्र की स्थिति आकार को देखते हुए मापनी का निर्धारण करते हुए
आप उस क्षेत्र का मानचित्र बना सकते हैं। मानचित्र बनाने के उद्देश्य, मानचित्र के उद्देश्य कई सारे उद्देश्य हैं। सबसे पहला उद्देश्य है, अगर हम सिर्फ दो उद्देश्यों में अगर देखें तो सबसे पहला उद्देश्य है कि अगर पृथ्वी को ज्ञान कराया जाए, तो पृथ्वी इतनी बड़ी है कि उसका संपूर्ण ज्ञान करना, घूम घूम कर एक एक जगह पे जाकर संपूर्ण ज्ञान करना किसी भी मानव के लिए, किसी भी मनुष्य के लिए आसान नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो मानचित्र के आधार पर हम पृथ्वी का या पूरे विश्व का एक साथ अध्ययन कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा मुख्य उद्देश्य है, धरातल जो है अलग अलग विभिन्न प्रकारों में बटा हुआ है, कहीं पे भौतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, अलग अलग तरीके से बटा। तो मानचित्र के आधार पर, अलग अलग मानचित्रों के आधार पर हम अलग अलग तरीके की सूचनाओं का निर्माण प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि मानचित्र अगर धरातल का बनता है, भौतिक आधार पर मानचित्र बनता है, तो वो अलग अलग पर्वत, पठार, मैदानों के अकॉर्डिंग, अलग अलग क्षेत्र के अकॉर्डिंग, जलवायु के अकॉर्डिंग मानचित्र बनेगा। क्योंकि मानचित्र के कई सारे प्रकार होते हैं, कोई पर्टिकुलर एक प्रकार तो है नहीं जो मानचित्र का बन जाएगा। तो मानचित्र कई प्रकार के होते हैं। अब जैसे आप प्रकार लेते हैं, तो मानचित्र के प्रकार, मानचित्र चार प्रकार के होते हैं। मैं सिर्फ आपको आज एक नाम बता देती हूँ मानचित्रों के, बाकी प्रकार मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। क्योंकि मानचित्रों के प्रकार बहुत सारे हैं, चार प्रकार है, चार प्रकार में भी अलग अलग प्रकार के हैं। सबसे पहला मानचित्र के प्रकार है कि मापने के आधार पर मानचित्र, किस आधार पर, मापने के आधार पर, मापनी के आधार पर मानचित्र दो प्रकार से होते हैं, लघु मापनी और बड़ी मापनी या दीर्घ मापनी। दूसरा होता है स्थलाकृतियों के आधार पर, स्थलाकृतियों के आधार पर, स्थलाकृतियों के आधार पर। जैसे हम समोच्च रेखाओं का निर्माण करते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि टॉपोशूट जो हम बनाते हैं, या उच्च दृष्टि और क्लिनोमीटर जो मानचित्र होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, स्थलाकृति मानचित्र, ऊंचा दृष्टि, और दूसरा है क्लिनोमीटर, क्लिनोमीटर मानचित्र। फिर तीसरा होता है उद्देश्य के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर मानचित्र बहुत प्रकार के होते हैं। उद्देश्य के आधार पर मानचित्र अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि राजनीतिक आधार पे, भौतिक आधार पे, भौतिक मानचित्र, भौतिक, आर्थिक, राजनीतिक, फिर सांस्कृतिक, फिर हम ले सकते हैं ऐतिहासिक, फिर हम ले सकते हैं सैनिक, जो सैनिकों के लिए बनाया जाता है स्पेशली, जिसका ज्ञान एक आम मनुष्य नहीं कर सकता है। फिर हम कई सारे तरीके के इसलिए मानचित्र, मतलब और भी जितने सारे उद्देश्य हैं, तो हर उद्देश्य के आधार पर मानचित्र का निर्माण अलग अलग तरीके से होता है। फिर चौथा होता है रचना शैली के आधार पर, रचना शैली के आधार पर, मानचित्र दो प्रकार के होते हैं, गुणात्मक और मात्रात्मक। पहला होता है गुणात्मक और दूसरा होता है मात्रात्मक। पहला होता है गुणात्मक और दूसरा होता है मात्रात्मक। तो इस तरीके से मानचित्र कई प्रकार के बताए गए हैं। आपको नेक्स्ट क्लास में मानचित्र के प्रकार समझाऊंगी कि मानचित्र सब अलग अलग जो बता रहे थे कि इनकी सबकी अलग अलग विशेषताएं क्या है। तो मानचित्र अगर हम कह सकते हैं कि भूगोल का अध्ययन बिना मानचित्र के उसी तरीके से है जिस तरीके से किसी योद्धा का बिना शस्त्र लिए हुए, मतलब अगर भूगोल में मानचित्र नहीं है तो हम भूगोल का अध्ययन नहीं कर सकते। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से किसी योद्धा के पास और उसके शस्त्र नहीं होंगे तो वो उस युद्ध में लड़ाई नहीं कर सकता है। तो इसी तरीके से मानचित्र का भी एक यही का हम कह सकते हैं सेंटेंस इसके लिए कहा जाता है।
तो मानचित्र है, इससे रिलेटेड आपके नोट्स और आपके क्वेश्चन आपको पीडीएफ में सेंड कर दीजिए।